हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि हॉल आपका एयरक्राफ्ट बनाती है डिफेंस के लिए और उसके स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है। और इसमें आपकी जो वैकेंसी आई है वो आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। जिसको इंटरेस्ट नहीं था अप्रेंटिसशिप में वो अभी यहाँ से स्किप करके जा सकता है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई क्यों करना चाहिए, इसका रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब भी आप कोई ग्रेजुएशन या फिर आप डिप्लोमा करते हो, उसके बाद आप किसी भी जॉब को फाइंड करने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 1 से 2 साल का गैप देते हो, वहीं पर इसी तरीके की अप्रेंटिसशिप आपको मौका देती है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में या फिर अपने जॉब को फाइंड करने के लिए गैप ना देना पड़े। इस रिक्रूटमेंट में ना तो आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ना ही आपको कोई एग्ज़ाम फीस देनी है, और ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। ठीक है, सिर्फ आपको इसके लिए अप्लाई करना है और आपके जो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के मार्क्स थे आपका, उसी के बेसिस पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें आपका जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आपका स्टिपेंडेंट है वो आपका 9,000 है और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 8,000 है। इसमें आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की 5 सीटें हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 5 सीटें हैं, ये ग्रेजुएशन की बता रहा हूँ, और टोटल इन टोटल आपकी 87 सीटें हैं, जिसकी भी ब्रांचेस स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे डिप्लोमा के हो या फिर आप ग्रेजुएशन के हो, मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, चाहे आप प्राइवेट में करते हो, तो वहाँ से आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और कभी कभी गवर्नमेंट में SSC जैसे एग्जाम में भी आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है अप्रेंटिसशिप का। तो ये चीज़ वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और ना तो आपका गैप रहेगा, आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होगा, और उसी के साथ आपके पास नॉलेज होगी कि वर्क किस तरीके से होता है, क्या होता है एक इतनी बड़ी कंपनी में, हॉल जैसी एरोनॉटिक्स स्पेस लिमिटेड में। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो सकती है आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो अप्लाई ज़रूर कर देना। ठीक है, और डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पे आपकी 78 सीट हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी और पॉलीमर, सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी सीटें हैं, और मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी सीटें हैं आपकी ग्रेजुएशन में भी और डिप्लोमा में भी। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन से हॉल में ज्वाइनिंग तक का आपका जो गैप होना चाहिए वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आपका यही है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी जो आपका डिप्लोमा है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक लेकर। नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन, ये इतनी परसेंट का रिजर्वेशन कोटा आपको दिया जाएगा जो आपके मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, SC के लिए 10, ST के लिए 9, OBC के लिए 27%, PWD के लिए 4%, XMS के लिए 4.5% और EWS के लिए 10%। ठीक है, और XMS और एक्स सर्विसमैन चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है आपका, यहाँ पे नोट है तो उसको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका AWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन भी है यहाँ पर, तो इसको भी आप डिटेल में देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 25 फरवरी 2021 है, और यहाँ पर आप इस वक्त स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, मैंने सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्म है, बेसिक सा, आपको जस्ट इस लिंक को ओपन करके इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है और इसके लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको अपना मार्क्स, अपनी परसेंटेज, जो भी डॉक्यूमेंटेशन ये पूछता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें फिल कर देनी है और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका इसमें कुछ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद आपको कोई, मतलब इसमें ये बताया गया है बाकी जो चीज़ें हैं कि आपको इसमें परमानेंट नहीं रखा जाएगा, आपका ये जो है सिर्फ 1 साल के लिए और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा तो मैं किसी अदर एग्जाम के प्रिपरेशन करूँगा तो मेरी वहाँ ज्वाइनिंग नहीं होगी। उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लाइक सपोज करिए आप इसके प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, आपका हॉल में सिलेक्शन हो जाता है अभी। ठीक है, अब से कुछ 6 महीने बाद आपको एग्जाम देते हो, आपका वो एग्जाम भी क्रैक हो जाता है, आपकी ज्वाइनिंग कुछ 7-8 महीने बाद है, तो आप हॉल से परमिशन मांग सकते हो, हॉल से बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे आपका DMRC में, चाहे आपका DRDO में, चाहे आपका IOCL में, वहाँ पर आप बोल सकते हो कि मैं अभी राइट नाउ मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ। ठीक है, अगर आप, तो मेरे को ज्वाइन करने के लिए इतना टाइम चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं, आप कुछ और चीज़ भी बोल सकते हो कि मैं
अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ 3 महीने बाद ज्वाइनिंग करूंगा, तो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे स्टडी के लिए टाइम चाहिए, तो ज्वाइनिंग के लिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है, तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि अगर मैं हॉल में अभी वर्क कर रहा हूँ अप्रेंटिसशिप तो मैं दूसरी जगह सेलेक्शन नहीं ले पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप इनडायरेक्टली उनको बोल के टाइम ले सकते हो कि मैं अभी से ज्वाइनिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं 6 महीने बाद ज्वाइनिंग करूंगा या फिर मैं 1 साल बाद ज्वाइनिंग करूंगा, और इतना टाइम नॉर्मली काफ़ी ईजिली मिल जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसके लिए अप्लाई जरूर कर देना, स्पेशली मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स तो कर ही देना क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम आती हैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करना सीखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।